Dear all, today I am going to start a web series or a series of video on different career choice, career options while you are pursuing your graduation, specifically BTech. But before I start talking about different career options and how to achieve those things, I want to tell you one thing कि ये वाली जो सक्सेस स्टोरी है, ठीक है, जो प्लानिंग है करियर को लेकर के, वहां दिक्कत कहां आती है, प्रॉब्लम कहां आता है? और मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होता है आपकी थॉट प्रोसेस से. एंड व्हाट इज दैट थॉट प्रोसेस? द थॉट प्रोसेस इज यू नेवर वांटेड टू बी योरसेल्फ, यू ऑलवेज वांटेड टू बी समवन. हियर इज द प्रॉब्लम. You always get either inspired or get infatuated towards someone else's goal. That is not your goal, right? There is the problem. When you wanted to be someone, sometimes someone means your, like your parent, father or mother, like your elder brother, not, if not brother, then cousin, and if not cousin, then your senior or someone else. You cannot be someone. You are unique in your own way, right? I'm not saying that you are not going to have a role model in your life. Get inspired by other people, career or achievements. That is required. Everybody wants to, you know, get inspired by someone else's success. But never ever try to be someone, right? Sachin Tendulkar never wanted to be Sunil Gavaskar. He can't. He is unique in his own way. Virat Kohli, classical player. He never wanted to be Sachin Tendulkar and he could not. They are unique in their own way. Okay. So similarly, from today onwards, when you are going to plan your career, right? First of all, mark this word, never ever get infatuated or attracted towards someone else's goal and never ever wanted to be someone else, right? Hota kya hai, main batata hu. Jab aap BTech first year mein hote ho, theek hai, to aap ek apni career planning ka ek path banate ho kuch is tarike se. Ye hai aapka first year, isko aap second year mein bol sakte ho. Aur आपने टारगेट सेट किया कि भाई मैं IIM जाऊंगा, ठीक, कैट क्लियर करूंगा. ये आपका सक्सेस पाथ था, यहां आपको पहुंचना था, दैट इज योर डेस्टिनी, ठीक. हुआ क्या वो देखिएगा, और प्रैक्टिकली ये होता है, मैं आपको बता रहा हूं. आपका एक दोस्त है जो आपका रूममेट भी हो सकता है, बैचमेट हो सकता है, या ऐसे ही फ्रेंड है, कॉलेज में फ्रेंडशिप हो गई अच्छी तगड़ी वाली. अब उसका अपना अलग करियर पाथ है, ही इज ऑल्सो इन फर्स्ट ईयर, और उसको क्लियर करना है भाई गेट. वो चाहता है कि मैं तो एमटेक करूं, IIT नहीं गया बीटेक करने, तो अब एमटेक करने जाता हूं, ठीक है, IIT से. तो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट. अब दोनों की बातचीत होती है, ठीक है, प्रिपरेशन को लेकर. हुआ क्या कि कुछ दिनों में यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज गोल. उसने बोला कि यार वही सब्जेक्ट जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसी का गेट, उसके हायर लेवल पे पढ़ाई करनी है और गेट निकल जाएगा, ठीक है, कहां कैट के चक्कर में पड़े हो, राइट. उसने चार अच्छी बातें बताई और आप क्या हुए कि अट्रैक्ट हो गए उसके गोल की तरफ. अब आपने ये वाला रास्ता कट कर दिया 6 महीने बाद, साल भर बाद, और नाउ यू वॉन्टेड टू डू एमटेक, यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन, ठीक. अच्छा, ये कुछ दिन चला, राइट, ये चला 3-4 महीने चला. इसी दौरान आपकी कोई स्पेशल वाली फ्रेंडशिप हो गई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, ठीक है. नाउ ही और सी इज प्रिपेयरिंग फॉर लेट अस से GRE, राइट. सी वॉन्टेड टू डू MS फ्रॉम अब्रॉड. She is also in first year or say second year, okay, and she is preparing for GRE.
You were preparing for IIM CAT. Now you get infatuated towards someone else called preparing for GATE. And you have a special friend, right? He or she is preparing for GRE. After some time, what happened, used to happen, कि आपको लगता है कि अच्छा मैं यहां से एमटेक करूंगा, वो वहां से एमएस करेगी, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, खतरा, राइट, इनसिक्योरिटी। फिर आप कहते हो दोस्त को कि तुम गए बाहर में, ठीक है, तुम करो एमटेक, मैं तो साथ ही जाऊंगा इसके, राइट, सेम कॉलेज जाएंगे, सेम पढ़ाई करेंगे, सेम कोर्स लेंगे। आपने देखी, आप स्टार्ट किए थे यहां से, कुछ दिन यहां रहे और अल्टीमेटली आप इसकी तैयारी करने लगे। ये करते करते अचानक क्या हुआ कि फाइनल ईयर आ गया। फाइनल ईयर आ गया तो आपको प्रेशर आया घर वालों की तरफ से और खुद से प्रेशर आया कि भाई प्लेसमेंट ले लो, बाकी सब चीजें तो बाद में कर लेंगे। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड दैट यू नो, आप सब छोड़ करके प्लेसमेंट के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हो। लेकिन चूंकि 4 साल में आपने अपने गोल पोस्ट को बार बार चेंज किया है, होता क्या है कि ना तो ये तीनों मिलती है और ना ही आपको प्लेसमेंट मिलता है, बड़ी मुश्किल से कोई प्लेसमेंट मिल गया। ये मोर देन 60-70% बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज और ग्रेजुएशन कॉलेज के बच्चों की स्टोरी है, जीवन गाथा है। 4 साल के उनके इंजीनियरिंग में, 3 साल के ग्रेजुएशन में यही हो रहा है। बिकॉज यू चेंज योर गोल पोस्ट एवरी नाउ एंड देन, सो व्हाट हैपन, यू अचीव नथिंग। ठीक है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, एक है साधे सब सध है, सब साधे सब जाए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने गोल पोस्ट को फिक्स करना है और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है, वन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, अ ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बिलीव मी, राइट, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर इज योर पैशन, वेयर इज योर एप्टीट्यूड, स्किल्स, तुमको कौन सा ऐसा काम है जो करने में मजा आता है। I did my BTech, I did my MBA, and for last 10 years, I'm running a training company, I'm a trainer or a motivator, whatever you say. Why? Because this is my passion, this is my life. I love to do this thing. So please, and I consider myself lucky that I understand my passion at very early stage of my life, my career. So my dear friend, first of all, identify where is your passion, where is your interest, and are your aptitude, your aptitude is also there. Sometimes people get, you know, a blind passion. कि नहीं मेरा तो passion है, मैं badminton खेलूंगा। Acumen check करना पड़ेगा, skill check करनी पड़ेगी, capability check करनी पड़ेगी, ठीक है? और फिर आपको strategy बनानी है और move on करना है, आगे बढ़ना है, और फिर देखिए कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बताया कि व्हाट इज द हर्डल, राइट, टू गेट सक्सेस और टू प्लान फॉर योर करियर। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ 3-4 वीडियो सीरीज, इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ हाउ टू डू ग्रेट इन योर बीटेक। इन बीटेक आप बीटेक करते करते कैसे आप 20 लाख 25 लाख या 30 लाख या 10 लाख या 12 लाख का पैकेज हासिल कर सकते हैं, ऐसा क्या काम करें कि ये वाला सक्सेस मिल जाए, या अगली बात होगी कि आपको हायर स्टडी अगर करना है, जो करना चाहिए, उसकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, कैट की, गेट की, जीआरई की, जीमैट की, सबकी बताऊंगा। एक एक करके सारे वीडियोस क्लियर करूंगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आप में से कई लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि नहीं सर, मुझे डिफेंस सर्विसेज जाना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, उस पर भी बात होगी।
कि कैसे आप 4 साल के बीटेक के दौरान उन एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो और उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। आप में से कुछ लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं करना, एक जबरदस्त काम करना और वो है सिविल सर्विसेज। बोले इंडिया में आईआईटी, आईआईएम और आईएएस, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली का ये ड्रीम होता है, पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट का भी। आईआईटी जाओ, नहीं गए तो आईएएम जाओ, वो भी नहीं हुआ तो आईएएस तो बन ही जाओ, राइट। तो भाई साहब सिविल सर्विसेज के बारे में भी डिटेल में बात होगी, व्हाट मस्ट बी अ स्ट्रेटजी व्हाइल परस्यूइंग योर बीटेक, हाउ यू कैन अप्रोच टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। आप में से कई लोगों का होगा कि सर सिर्फ पढ़ने लिखने की बातें कर रहे हो, हम तो सर बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करो। यस, इसी वीडियो सीरीज में मैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी बात करूंगा, ठीक है। आप में से कई लोगों को शायद पता नहीं होगा कि देयर आर सर्टेन अनऑर्थोडॉक्स करियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस अवेलेबल टू ग्रेजुएट स्टूडेंट, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट। लाइक देयर इज अ करियर इन CFA, चीफ फाइनेंशियल एनालिस्ट, राइट। अब इसके बारे में आप रिसर्च कीजिएगा, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, व्हाट आर द थिंग्स इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू क्रैक CFA, क्या फायदा उसका क्या नुकसान है। जिन लोगों को शेयर बाजार वगैरह में इंटरेस्ट है, बहुत बेहतरीन। आप में से कई लोग होंगे जिनकी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बहुत शानदार है, आप एनालिस्ट का नौकरी कर सकते हो, अलग अलग जगह जाके अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, शानदार जगह है, इंजीनियर वहां जाता है ग्रेजुएशन करने भी, मतलब अगर आप 12th में होते मैथ्स लिए रहते तो आप जा सकते थे, और आप मास्टर्स करने भी जा सकते हो, वहां कैसे जाना है सर। एक शानदार करियर ऑप्शन है एक्चुअली बनना, मेरी मैथ्स स्टैट्स बहुत अच्छी है और एक्चुअलीज यूज टू मिंट मनी लाइक एनीथिंग, एक्चुअल साइंस कैसे किया जा सकता है उस पर बात होगी। आप में से कई लोग होंगे जिनकी क्रिएटिविटी के प्रति बहुत ज्यादा पैशन होगा, दे वॉन्टेड टू मेक देयर करियर इन यू नो इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी के लिए एक शानदार इंस्टीट्यूट है अपने यहां हिंदुस्तान में, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। वहां कैसे आप पहुंच सकते हो और वहां पहुंचने के बाद आप क्या सैलरी पैकेज ले सकते हो, कैसे आपका करियर होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा आपको कोई और ऑप्शन नजर आता है करियर का, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, मैं हर उस करियर ऑप्शंस के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूं इस वीडियो सीरीज में जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर यू नो बीइंग विद अस, राइट। ऐसे ही आप देखते रहिए वीडियो, सीखते रहिए और अपना शानदार करियर बनाइए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।